आज के इस वीडियो में आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आ रही है पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ये वैकेंसी अनाउंस की गई है डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए। इसमें फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाला, कोई भी एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड नहीं है। टोटल वैकेंसी जो है वो 500 है, लेकिन वैकेंसी तो अच्छा है, लेकिन इसमें तमिलनाडु से जो बिलोंग करते हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिनसे कि टेक्निकल फील्ड की सभी वैकेंसी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन होकर करिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। देख सकते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु की तरफ से, ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की गई है अप्रेंटिस वालों के लिए। जो भी ऐसे कैंडिडेट 2021-22 सेशन के लिए इसमें निकाली गई है, जो भी कैंडिडेट 2019-20-21 में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो ब्रांच है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। सिविल और ट्रिपल ई, इनसे रिलेटेड आपको ये जो वैकेंसी दिख रही है ये आपको बीटेक वालों के लिए है जो कि 340 पोस्ट के लिए है, और नीचे में आपको डिप्लोमा वालों के लिए दिख जाएगा जो कि सिविल और ट्रिपल ई मिला करके 160 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। इनमें आपको मंथली स्टिपेंड 9000 मिलेगी बीटेक वालों के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 8000 पर मंथ आपको इसमें स्टिपेंड मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से रिलीज़ की गई है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। इसके तरफ से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जब भी इसमें परमानेंट वैकेंसी निकलेगी तो उनमें आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो आपका मिनिमम 18 ईयर्स होने वाला है, और ये एज लिमिट आपका अप्रेंटिसशिप रूल के अनुसार से मिनिमम 18 होता है, मैक्सिमम आपका 25 से 26 है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका जो भी मार्क आया है डिप्लोमा या बीटेक में उसी के आधार पर होगा, और उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी ऑफिस चेन्नई में आप लोग को बुलाया जाएगा, वहाँ पर आप लोग को अपीयर होने होंगे। अब अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग को नेट्स पोर्टल के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेट्स पोर्टल में जाइए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेट्स पोर्टल पर पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसको देख करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा, और जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू में फाइंड इस्टेब्लिशमेंट वाला सेक्शन में आप लोग सर्च कर लीजिएगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी इसका जो रिजल्ट है उसका रिलेटेड जो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर रिजल्ट पब्लिश करेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है 10/1/2022 से ये स्टार्ट हुआ अप्लाई करना। नेट्स पोर्टल पर इनरोल करने का लास्ट डेट जो है 19/1/2022 है, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 25/1/2022 है, और इसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 31 जनवरी 2022 को होगा, और वेरिफिकेशन जो है 9 फरवरी 2022, 10 फरवरी और 11 फरवरी को किया जाएगा। इनका जो रिजल्ट है इस वेबसाइट पर पब्लिश करेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस डेट को विजिट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था वो मैंने बता दिया। अगर आपके मन में कोई confusion.query रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिनसे कि सभी तरह के टेक्निकल फील्ड की वैकेंसी आपको मिलती रहेगी।